इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हिमाचल में स्थित कसोल क्षेत्र के बारे में, जहां आप परिवार या दोस्तों के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं। हिमाचल के कसोल क्षेत्र में हर साल देश विदेश से लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं और घूमने फिरने का मजा लेते हैं। कसोल के आसपास कई ऐसी जगह मशहूर हैं जो आपके ट्रिप का आनंद दोगुना कर सकती हैं। कसोल के आसपास घूमने वाली जगहों के बारे में आइए जानते हैं। इनमें सबसे पहले है मणिकरण साहिब। यदि आप पहाड़ों के बीच आध्यात्मिक ज्ञान पसंद करते हैं तो आपके लिए मणिकरण आदर्श तीर्थ स्थल है। कहते हैं कि यहाँ मणिकरण साहिब गुरुद्वारा में गुरु नानक देव जी आए थे और उन्होंने यहाँ कई चमत्कार भी किए थे। साथ ही कहा जाता है कि भगवान शिव और देवी पार्वती लगभग 11 वर्षों तक यहाँ पर रहे थे, इसी वजह से यहाँ इस जगह का काफ़ी महत्व है। ये जगह कसोल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मलाणा गाँव। अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं तो मलाणा गांव की यात्रा जरूर करें। यह गांव काफ़ी प्राचीन है जो पार्वती घाटी के किनारे बसा है। यह जगह कसोल से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तोष गांव। तोष नदी के किनारे बसा यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए सैलानियों में काफ़ी प्रचलित है। तोष गांव कसोल से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर है। खीर गंगा। यहाँ की हरी भरी पहाड़ियाँ और नीला आकाश मनोरम सुंदरता को दर्शाता है। इस जगह को लेकर मान्यता है कि यह शिव की भूमि है और कसोल से खीर गंगा की दूरी महज 2 किलोमीटर की है। माँ नैना भगवती मंदिर। पार्वती नदी पर बसा यह पौराणिक नैना भगवती मंदिर हिंदू धर्म के अनुयायियों में काफ़ी प्रचलित है। लकड़ी से बना यह मंदिर बौद्ध मोनेस्ट्री जैसा नजर आता है, जहाँ आप अध्यात्म और नेचर को करीब से महसूस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।